हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ चलिएगा हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 15 है और टॉप 20 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बताएं कि मैम इस क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए, तो हम उसको फिर से समझाएंगे आपको। और खूब मेहनत से लगे रहिए। चलेगा, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही डज, अब आपको जो है मिल रहा है अंडरलाइन वर्ड जो है अनपेड वर्क फॉर रेड क्रॉस। अब आपको बताना है इस अनपेड का क्या मतलब है, अनपेड वर्क का क्या मीन्स है। और ये बच्चों क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका आपसे दूसरे तरीके से है ना। यहाँ पर जो है ये ना पूछ करके कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना पैसे के काम करता है उसको क्या कहते हैं, सीधे पूछ रहा है कि वह रेड क्रॉस के लिए अनपेड वर्क करता है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को? तो चलिएगा, पहला ऑप्शन है वेटरन, दूसरा ऑप्शन है ऑमनीपोटेंट, तीसरा ऑप्शन है आपको ऑनरेरी और चौथा है कोनोनोइजर। तो आपको बताना पड़ेगा इसके लिए क्या वर्क होगा, क्या वर्ड होगा, बताइएगा। देखिए बच्चों, अगर वेटरन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, यानी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, अनुभवी व्यक्ति, ओके, वेटरन का मतलब। और ऑमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है ना, सर्व इसके बाद हो जाएगा सर्वशक्तिमान, ठीक है ना, सर्वशक्तिशाली, ईश्वर के लिए यूज होता है अ पर्सन, है ना, हु हैज मल्टी पावर्स या मच पावर, दैट इज कॉल्ड ऑमनीपोटेंट, ओके। ऑनरेरी मीन्स होता है सम्मान का पद, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, सम्मान का पद, इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है ना, सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। कोनोनोइजर मतलब होता है पारखी नज़र वाला, ओके, पारखी नज़र वाला, यानी कि कला और जो है संस्कृत का बहुत अच्छा, चीज़ों का बहुत अच्छे से जज करने वाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड कोनोनोइजर, ठीक है ना। स्पेलिंग ध्यान रख लीजिए बच्चों, चारों की स्पेलिंग एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर सी करेक्ट है। अभी ऑनरेरी होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि वेटरन अनुभवी हो गया, ऑनरेरी मतलब होता है आपका एक ऐसा जो है व्यक्ति जो सम्मान के पद पर बैठा हो बट उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है, इसको बोलते हैं सम्मान का पद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक वॉलंटियरी होता है, इसका मतलब तो होता है स्वयं सेवा, कि आपने मतलब बिना किसी पैसे की इच्छा से स्वयं सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको पद मिल रहा है, ना आपको सम्मान मिल रहा है, ना आपको पैसा मिल रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप श्रमदान दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, उसके लिए वॉलंटियरी होता है। लेकिन ऑनरेरी मतलब आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी बट पैसा नहीं मिलेगा, ओके, इसको याद रख लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं चारों, ठीक है ना। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल, इसको बताइएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार लोगों का इलाज करता हो, बीमार लोगों को ऑपरेट यानी कि जो है जिनको क्या ऑपरेट यानी चलाता हो, आप कह सकते हैं ना, सिक माने बीमार होता है, फिजिशियन बोला जाता है, ऑपरेटर बोला जाता है, सर्जन बोला जाता है, या जो है फिजियोथेरेपिस्ट बोला जाता है, इसको बता दीजिएगा कौन सा करेक्ट करेंगे। सब मिलता जुलता शब्द है, डॉक्टर की दुनिया से रिलेटेड ही सारे शब्द हैं, बताइए। देखिए फिजिशियन अगर आप कहेंगे तो फिजिशियन मतलब होता है चिकित्सा विज्ञान को जानने वाला, यानी चिकित्सक, ठीक ना। और ऑपरेटर अगर आप कहेंगे तो ऑपरेटर यहाँ पर जो है नहीं होगा, ऑपरेटर मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को चलाने वाला, अंडरस्टूड। सर्जन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना, क्यों, क्योंकि बहुत नज़दीक के जो है ऑप्शंस आपको देते हैं और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे वर्ड एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, फिजिशियन मतलब कोई भी चिकित्सक, समझ पा रहे हैं ना, और ऑपरेटर मतलब होता है किसी चीज़ को चलाने वाला, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कंप्यूटर ऑपरेटर,
ठीक ना। इसी प्रकार से जो है गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, साइकिल चलाने वाले को, बाइक चलाने वाले को, घुड़सवार को राइडर बोलते हैं। तो ऑपरेटर जो है किसी नॉन लिविंग के लिए ज़्यादातर यूज होता है। सर्जन मतलब देखिए, सर्जन मतलब होता है शल्य चिकित्सक, ठीक है ना, शल्य चिकित्सा से संबंधित, समझ पा रहे हैं ना। और फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं होगा, फिजियोथेरेपिस्ट मतलब होता है, ठीक ना, कि फिजिकल साइंस से अध्ययन करने वाले, यानी शरीर क्रिया विज्ञान पर काम करने वाला। लेकिन ऑपरेट ऑन सिक पीपल यानी कि बीमार लोगों पर ऑपरेशन करना, तो सर्जन ऐसा करता है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, योमेंस सर्विस का क्या मतलब है, ठीक है, ये आप नोट कर लें बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। योमेंस सर्विस याद रखेंगे, ये आइडियम एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चन हैं, ओके। एक्सीलेंट सर्विस इसका क्या मतलब होता है, एक्सीलेंट सर्विस, बट अपने ऑप्शन में तो नहीं है, एक्सीलेंट सर्विस नहीं है, तो मिलता जुलता वर्ड तो दिया ही होगा, अ सर्विस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, बहुत अच्छे, ठीक है ना। जिन भी विद्यार्थियों का ए आंसर आ रहा है वे सभी करेक्ट हैं। डिफेंड स्ट्रांगली ये नहीं है अपना आंसर, और टू चैलेंज भी नहीं है, टू बी प्लेस्ड भी नहीं है। योमेंस सर्विस का मतलब है एक्सीलेंट सर्विस, इसका मतलब अ सर्विस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज आर फ्लाइंग इन अबव सेंटेंस। आर फ्लाइंग वर्ब जो है, जो ये आपका आर हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग आपका मेन वर्ब है, ठीक ना। आपको बताना है कि आर फ्लाइंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब है, या फ्रेजल वर्ब है, बताइएगा। आपको ऑप्शंस बहुत ऐसे ही मिलेंगे मिलते जुलते, जो कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएं, बट आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, वेरी गुड। देखिए आर फ्लाइंग, आपको पता है ना कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो देख लीजिएगा, इस सेंटेंस में द बर्ड्स सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग मेन वर्ब है, इन द स्काई एक प्रकार से क्या है, ये जो है फ्रेज की तरह काम कर रहा है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द स्काई, ठीक है। फ्लाइंग तो आप देखिए ऑब्जेक्ट आप ढूंढते हैं ना व्हाट या हुम से, समझ पा रहे हैं ना, व्हाट या हुम से। तो अगर आप बोले व्हाट तो आंसर नहीं आएगा फ्लाइंग के बाद, अगर हुम बोले तब भी नहीं आएगा, बट अगर आप वेयर बोल देते हैं तो आंसर हो जाएगा कहाँ, तो चिड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं, लेकिन वेयर से तो ऑब्जेक्ट आता नहीं है। तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम सभी इनट्रांजिटिव वर्ब को प्रेफरेंस देते हैं। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, किसे पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, समझ पा रहे हैं ना। तो ये इनट्रांजिटिव ना होकर ट्रांजिटिव हो गया, ओके। इन्फिनिटिव मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों तरीकों को क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है। और फ्रीजल वर्ब मतलब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, अंडरस्टूड, चलिएगा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एसेंट, आपको बताना है कि एसेंट में आप कौन सा सफिक्स लगाएं। बच्चों ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ड में अगर आप आगे कुछ ऐड जो है करते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और अगर बाद में ऐड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सफिक्स बोला जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना, सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, ठीक। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से जो है सफिक्स हैं जिनको आप ऐड करके किसी भी जो है वर्ड को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप ए टी ई कहीं भी लगा हो तो डी लगा सकते हैं, इसका मतलब ये वर्ब है, ठीक है ना, जैसे पंक्चुएट है ना, कम्पीटेट, सेलिब्रेट, एसेंचुएट, लिखा ना एसेंचुएट, ये वर्ब है। अब देखिए एसेंचुअल अगर आप कहें तो एसेंचुअल इसका जो है क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक, यही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक। और देखिए यहाँ पर तो फिर से वर्ब बना दिया ईडी लगा करके, जिसमें ईडी लगे, आईएनजी लगे, वो वर्ब बन जाता है, और टी आई ओ एन, ए टी आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, एम ई एन टी, एन ई डबल एस, ऐसे कुछ जो है अगर जो है सफिक्स ऐड हो तो वो नाउन बनाते हैं। नोट कर लीजिएगा बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन में आपको मिलेगा
ATION TION ION SSION MENT, ठीक है ना। और आपको मिल जाएगा शिप, मिल जाएगा डम, मिल जाएगा नेस, मिल जाएगा, ये सब नाउन बनाते हैं। तो अपने को एडजेक्टिव ढूंढना था तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट, फिर कह रहा है जब मैं एयर, इसको कंप्लीट करना है, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, फ्लाइट डिपार्टेड यानी चल दी थी, चल चुकी थी, निकल चुकी थी, या वॉज लिविंग निकल रही थी, या फिर विल बी डिपार्टिंग यानी डिपार्ट होगी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए फ्लाइट निकलती नहीं है तो सबसे पहले तो आप यही जान जाए निकलता व्यक्ति है, ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। और जब आगे आपको पास्ट मिल गया तो फ्यूचर भी नहीं होगा। अब बचा डिपार्टेड और हैड डिपार्टेड, ठीक। अब आपको पता है ना बच्चों कि जब व्हेन वाला पार्ट पास्ट इनडिफिनिट में होता है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, तो बाद वाला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, इसको याद रख लीजिएगा। बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तो आपको रट गया होगा, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। चुकी थी आप बोल ही रहे हो ना, तो चुका था, चुकी थी हैड में आता ही है कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट निकल चुकी थी यानी कि आपसे फ्लाइट मिस हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, इसका मतलब जो बाकी 3 होंगे वो इनकरेक्ट होंगे, तो बताइएगा विच स्पेलिंग इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस, बताइएगा। इस जो है 12th TWELFTH, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, अपने को करेक्ट ही ढूंढना था 12th, ठीक है ना। TWELFTH होता है 12th। इम्प्रूवमेंट की स्पेलिंग होती है IMPROVEMENT, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। और लैंग्वेज की भी ध्यान रख लीजिएगा, लैंग्वेज की होती है LANGUAGE, ओके। और इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग होती है INDEPENDENT, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट की करेक्ट स्पेलिंग DENT होता है, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 अपना है बाय, फिर आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है। वॉज द फ्लावर प्लक्ड, ठीक है ना। ऑप्शन से देख लीजिएगा, हुज, होम, दैट और हू, आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा ना। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, बताइएगा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा करेंगे आप, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है, बाय होम, ठीक है ना, बाय होम है। बाय होम वॉज द फ्लावर प्लक्ड, मतलब किसके द्वारा फूल तोड़ा गया, ओके। बाय होम आपको पता है ना कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम सभी एक्टिव से, तो हूँ को हम सभी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाय होम में, ओके। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एरर वाले सेंटेंसेस हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। एवरी वन ऑफ द मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स, फिर है ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, फिर है थ्रो रिगोरस ट्रेनिंग, बताइएगा किस पार्ट में एरर है। एवरी वन ऑफ द मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ थ्रो रिगोरस ट्रेनिंग, आपको जो है मिस इंडिया ही आपको हिंट दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ठीक है। मिस इंडिया में आपको हिंट मिल रहा है, बताइएगा, बहुत बढ़िया, कौन सा किया जाए, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए मिस इंडिया यानी कि महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है। मिस इंडिया के हर कंटेस्टेंट में से हर कोई ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ, ना कि हिम सेल्फ, ओके। जब सब्जेक्ट आपको पता चल जाए तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बड़े आराम से चूज कर सकते हैं। इसमें किस पार्ट में एरर है, तो इसमें बी पार्ट में एरर है, ठीक है ना। हिम सेल्फ ना होकर के हर सेल्फ होना चाहिए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बताइएगा। इनकरेक्ट ढूंढना है इस बार। पहला ऑप्शन कह रहा है दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यू ही एंड आई आर
गोइंग टू दिल्ली, लेट हिम एंड आई डू दिस। इसमें से इन करेक्ट ढूंढना है, यानी कि बच्चों बाकी तीन करेक्ट है, याद रख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, करेक्ट इन करेक्ट वाले नॉट वाले है ना एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देते हैं और जानबूझकर गलतियां हो जाती हैं, ठीक ना। बताइएगा कौन सा करेक्ट किया जाए, इनकरेक्ट किया जाए, बाकी तो तीन करेक्ट है। देखिए दिस इज़ द बॉय हूँ, तो बॉय के लिए हूँ आया है, यानी कि ये सही है। दीज फ्लावर्स आर, तो फ्लावर्स की वजह से जो है दीज आया है और आर भी सही है। यू ही एंड आई आर गोइंग, ये भी सही है ना, 231 का नियम आपको याद है ना, ये भी सही है। तो चौथे में कोई ना कोई गलती मिल जाएगी, लेट हिम एंड मी होना चाहिए था, समझ पा रहे हैं ना। आई का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं लेट के बाद हम सभी लोगों को क्या किया करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। तो इसमें डी वाला इनकरेक्ट था, लेट हिम एंड मी डू दिस करना चाहिए था। ओके, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, अंडरस्टूड। यस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या बताना है, डिटेरेंट का आपको अपोजिट बताना है, इट मींस एंटोनिम बताना है। बताइएगा हेल्प होगा, मैनेजमेंट होगा, इन्फ्लुएंस होगा या लेबर होगा, बताइएगा कौन सा करेक्ट करेंगे। देखिए डिटेरेंट की मीनिंग सबसे पहले हमें समझनी होगी, इसका मतलब क्या होता है, समस्या या बाधा, ठीक है ना, समस्या या बाधा यानी ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम्स जो भी आप समझे, ठीक ना। तो आप देखिएगा समस्या या बाधा यानी ऑब्स्टिकल, तो यानी कि हेल्प यानी मदद, ठीक है ना, जो आपकी समस्याओं को ख़त्म करे या जो है समाप्त करे। मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं, इन्फ्लुएंस प्रभाव लेबर मेहनत ऐसा कुछ नहीं है। डिटेरेंट मतलब समस्या या भ्रम या फिर जो है बाधा, तो इसका मतलब मदद यानी कि समस्या का समाधान। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप नोट कर ले, बाकी ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। एंटोनिम बताना है, इट मींस अपोजिट बताना है, विलोम बताना है, बायस्ड। तो बायस्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, तो ध्यान रख लीजिएगा, बायस्ड मतलब होता है प्रिजुडाइस, ठीक है ना, प्रिजुडाइस। अब प्रिजुडाइस का क्या मतलब होता है, पक्षपात, भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, बहुत सारे आपको सिनोनिम मिल जाएंगे, बायस्ड, प्रिजुडाइस, डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी, ठीक है ना, ये सब आपके बायस्ड के सिनोनिम हैं। तब अपने को एंटोनिम ढूंढना है, इसका मतलब इम्पार्शियल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, यानी कि बिना किसी भेदभाव के। अटेंटिव तो आप जानते हैं, ध्यान देना, एक्सपेंसिव, महंगा, डिलाइट, आनंद, लेकिन बायस्ड का मतलब पक्षपात, तो इम्पार्शियल मतलब होता है बिना पक्षपात के। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, ये तो बहुत आसान है बट एग्ज़ाम में आया हुआ स्पेलिंग है, ठीक है। एरोप्लेन, किसी भी विद्यार्थी से आप बोल दीजिए, वो एलकेजी का हो, बोल दीजिए बच्चे एरोप्लेन की स्पेलिंग क्या है, तो बताना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अपने को क्या है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को ध्यान देना है। कई बार होता है, बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं, नज़रों के सामने नहीं आने से वो जो है कन्फ्यूज़न में गलत हो जाती हैं, तो इसको माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। बताइएगा एरोप्लेन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे। इसको तो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, आप आंसर करिए, बताइएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे स्पेलिंग एग्जाम में गलत होती है, ठीक है। जिन भी फ्रेंड्स का आंसर सी आ रहा है वही करेक्ट हैं, ए ई आर ओ पी एल ए आई एन नहीं होता, ए ई आर ए आर ओ नहीं होता, और हवा में उड़ती है तो ए आई आर से भी स्टार्ट नहीं होता है ना, आप वैसे भी दिमाग नहीं लगा सकते, हवा में उड़ती है तो ए आई आर ओ कर दें, ए ई आर ओ होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आया हुआ स्पेलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लें, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। वैक्यूम हर बच्चा जानता है ना, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है ना, तो वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ये कई बार पूछी हुई स्पेलिंग है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बताइएगा। डबल सी डबल यू डबल एम, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाकी वी ए से स्टार्ट होगा ये तो सभी बच्चे जानते हैं, बताइएगा आंसर करिएगा।
बहुत बढ़िया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। कैसे हम सभी देखेंगे, VACWM वैक्यूम होता है, ठीक है। VACWM इसको रट लीजिए, चाहे जिस प्रकार से रट लीजिए, ठीक है। डबल सी नहीं होता, एक CW, VACWM वैक्यूम पढ़ेंगे तो शायद आपको यू याद रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, एरर वाले हैं। द फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड, मतलब जो है डायरेक्टेड मतलब कोई व्यक्ति है जिसने फिल्म के बाद फिल्म की, यानी कि फिल्म पे फिल्म की लेकिन वो फेल हो गया, यानी कि क्या गलती है इसमें, किस ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन में एरर है, ठीक है ना, बी पार्ट में एरर है। अच्छा, इसको ध्यान कर लीजिए बच्चों, कैसे हम सभी इसको रटेंगे। एक नाउन हो, ठीक है ना, बीच में कोई प्रीपोजिशन हो, और फिर से एक नाउन हो, ठीक है। तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप सभी लोग पढ़ते हैं ना, डे बाई डे पढ़ते हैं ना, डे बाई डे, हम सभी क्या देखते हैं, डोर टू डोर पढ़ते हैं, डोर टू डोर, बीच में एक प्रीपोजिशन आ रहा है, दोनों तरफ नाउन आ रहा है। तो उसी प्रकार से बच्चों ध्यान रखना होगा, फिल्म आफ्टर फिल्म, ना कि फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स, ध्यान रखिएगा, फिल्म आफ्टर फिल्म, जैसे डोर टू डोर, डे बाई डे, ओके, वर्ड फॉर वर्ड, उसी प्रकार से फिल्म आफ्टर फिल्म, एक प्रीपोजिशन दो नाउन से अटैच हो तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, पंक्चुएशन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में पंक्चुएशन, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, बताइएगा। इसको आप जो है सही से लिखेंगे विथ पंक्चुएशन मार्क्स, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए, कौन सा किया जाए। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी कंजक्शन ऐड करते हैं तो कंजक्शन के बीच में एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं, और जब सेंटेंस असर्टिव में हो तो अंत में फुल स्टॉप लगता है। तो पहले वाले में अगर आप देखिएगा तो एक कॉमा यहाँ बीच में छोटा सा लगा है और एक ऊपर भी लगा है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में एक छोटा कॉमा बीच में देखिए लगा है, बाकी अंत में फुल स्टॉप लगा है। तीसरे में कॉमा तो लगा है बट सही जगह नहीं लगा है, स्पीक के बाद कॉमा नहीं लगना चाहिए था इसलिए ये गलत हो गया, है ना, क्लियरली के बाद लगना चाहिए था, जहाँ आप रुकेंगे वहाँ कॉमा लगाएंगे ना, स्पीक क्लियरली। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर गलत लगा है, और यहाँ पर अंत में देखिए एक अकेले कॉमा लग करके फुल स्टॉप लगा है, ठीक ना, चौथे वाले ऑप्शन में, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, बताना पड़ेगा प्रीपोजिशन करेक्ट है कौन सा। कह रहा है द पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन, फिर कह रहा है मर्डर, बताइए आरोपी क्या था, यंग मैन, ठीक है ना। द पुलिस अक्यूज्ड यानी कि पूरी पुलिस ने आरोप लगाया, पकड़ लिया, किस चीज़ के लिए, मर्डर के लिए, या मर्डर का आरोप लगाया। तो आपको पता है ना, केयर के बाद ऑफ लगता है, ठीक है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं ये सब, अक्यूज के साथ, नीड के साथ, है ना, इन सभी के साथ हम सभी क्या, प्राउड के साथ, मर्डर, प्राउड के साथ, इन सभी के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, इसको याद से आप याद कर लें। ये सब फिक्स फिक्स प्रीपोजिशन है बच्चों, जब भी आप एग्ज़ाम में मिलेंगे तो ये ही सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, ये सब फिक्स हैं, इसमें आपको कुछ सेट नहीं करना है। ओके, अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं, टिक द करेक्ट एक्सप्रेशंस, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड विद यू, आई एम फेड विथ अप यू, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए बच्चों, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कभी ना गिव अप मिले,
तो गिव अप मतलब होता है छुटकारा पाना, त्याग देना, ठीक है, छुटकारा पाना और छोड़ देना है गिव अप मतलब। और फेड अप विथ यू, एफ ई डी यू पी अप विथ, इस इनका मतलब जो है होता है ऊब जाना, ठीक है, बोर हो जाना। तो मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, तो आई एम फेड अप विथ यू, ठीक ना। अगर आप किसी आदत की बात करें, जैसे कई बार होता है ना बच्चे गुस्सा करते हैं, छोटे बच्चे, तो क्या कहते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते ऊब चुके हैं, तो आई एन जी लग जाएगा, ठीक ना। प्रीपोजिशन के बाद जिस भी वर्ब का आप प्रयोग करेंगे उसके साथ आई एन जी का प्रयोग कर देंगे, तो इसको याद रखिएगा। जैसे अगर आपको कहना हो ना कि टीवी देखते देखते बोर हो चुके हैं, तो आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी। अंडरस्टूड, याद कर लीजिए बच्चों। बहुत बार डेली लाइफ में अगर इन सारे वर्ड्स को आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से इसको रट पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। टू क्रॉस सोर्ड, इसका मतलब क्या है? कभी भी आपको ऐसे करके दो तलवारें ऐसे तिरछी दिखें, तो इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये तलवार ऐसे रखी हुई है तिरछी, तो इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस्ड सोर्ड मतलब तलवारों का तिरछा होना, तलवारों को तिरछा रखा जाना का मतलब युद्ध का संकेत है, मारने का संकेत है, रक्षा का संकेत है। कि रॉब मतलब होता है डकैती, इसका संकेत है। तो तलवारें जब जो है क्रॉस करके रखी हो, तो वो क्या है? युद्ध का संकेत है। इसको याद कर लीजिए बच्चों, टू फाइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टू फाइट मतलब टू क्रॉस सोर्ड्स मतलब तलवारों का क्रॉस करके रखना, रखा जाना। ये आइडियम्स वाले क्वेश्चन है। ओके, इसको बता दीजिए, कहते हैं ना बहुत लंबी लंबी बातें करता है। लंबी लंबी बातें का मतलब आप कहते नहीं हो, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ाई कर लेता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कर लेता है, या बहुत ज़्यादा डींगे मारता है, मतलब मेरा मन करता है कि मैं उठ के चले जाऊँ, आप ऐसे बोलते हैं ना। तो टॉल टॉक, ही ऑलवेज, ठीक है ना, टॉल टॉक्स मतलब वो हमेशा डींग मारता है। तो क्या हो जाएगा? वन शुड नॉट इंडल्ग इन टॉल टॉक्स मतलब किसी को भी डींग नहीं मारनी चाहिए। तो फ्लैटरिंग मतलब तो चापलूसी करना, आइडियल टॉक मतलब नहीं, इररिलेवेंट टॉक भी नहीं, बोस्टिंग मतलब होता है बहुत लंबी लंबी छोड़ना, या फिर क्या कह सकते हैं, डींगे मारना, ठीक है ना। जो मतलब आपको लगे कि ये कहाँ से 1.5 लाख का आईफोन लेके चले आए, कह रहे हैं मैं 1.5 लाख का आईफोन कल ख़रीदा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो आपको जो है डाइजेस्ट ना हो जो बातें, ऐसी बातों के लिए आप बोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। ही इज़ बोस्टिंग मतलब वह डींगे मार रहा है, ठीक है, टॉल टॉक कर रहा है। तो ऐसे आइडियम्स वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया, और जब आप सभी आंसर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव, आप अपने अनुभव ज़रूर से ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, शेयर कर दें, और आप सभी के शेयर से, लाइक से और खूब सारी मेहनत से ही हमें ऊर्जा मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।